अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और मैं अभी बना रही हूँ जी चाय, सुबह की चाय बन रही है और मैं ये लेकर आई थी छोटी वाली, तो बस अब फाइनली मैंने इसको सामने ही रख दिया ताकि यहाँ पे ये यूज़ होती रहेगी। दो मेरे पास इस तरह की और भी हैं, एक इससे थोड़ी बड़ी और उससे थोड़ी बड़ी, लेकिन अब ये वाली जो है ना मैंने स्पेशली ली है कि छोटी इलायची कुछ भी इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो उनको मैं पीस सकती हूँ। और उसके बाद मैं जो है यहाँ पे लोबिया, दोबारा राजमा, लोबिया, रेड बीन्स जो है उनको भिगो रही हूँ। कल मैंने मंगवाए थे अपने हस्बैंड से कलवंजी, तो दो पैकेट्स वो लेकर आए, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला है। तो छोटे वाले को मैं पहले अभी यूज़ करूँगी, बड़ा वाला मैं फ़िलहाल रख रही हूँ। कल मैंने जैसे ही आई थी ना कुछ चीज़ें मंगवाई थी तो वो मैंने ड्राइंग रूम में रख दी थी कि नेक्स्ट डे जो है मैं उनको यूज़ करूँगी, और इन पर स्प्रे भी कर दिया था। तो अब बस मैं इनको किचन में लेकर आई हूँ और बॉटल्स वगैरह फिल कर रही हूँ। अच्छा, कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी ना कि कड़वे हो गए थे, वो मैंने लिए थे कारफोर से, और ये वाला पैकेट जो है मैं अभी लेकर आई हूँ, यहाँ पे पंजाब कैश एंड कैरी है, मतलब ये जो अभी लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैं लेकर आई थी। तो मुझे बहुत सारे ये कमेंट्स आए थे कि आपने सोडा नहीं डालना था, सोडा डाल के पकाया होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये अपनी शादी से भी पहले के बना रही हूँ, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बनते हैं। मैं सिर्फ भिगोते हुए एक चुटकी डालती हूँ और उसके बाद मैं वो पानी जो है वो फेंक देती हूँ, अच्छी तरह इसको वॉश करती हूँ और फिर मैं इसको बनाती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में उन लोबिया में जो राजमा था उनमें ही कोई प्रॉब्लम थी, बिल्कुल पैकेट मैंने फ्रेश खोला था, अभी लेकर आई थी जब लास्ट टाइम मैं कारफोर गई थी, और जैसे ही बनाया इतना ज़्यादा वो कड़वा था, क्योंकि इतनी कड़वाहट मेरे नहीं ख्याल में कि आम सोडे की वजह से या ऐसे आती होगी, शायद उनमें ही कोई इशू था। और ये बाल्टी है जी, छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं इसी में मैं डाल के रख देती हूँ, और ये मैंने मेट्रो से ली थी और ये मैं कैबिनेट में रख देती हूँ। तो अभी ना बस मैं दोबारा इसलिए भी बना रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं, और कल उनका दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया था क्योंकि उनकी फरमाइश पे ही बन रहे थे और काफ़ी खफा थे, उदास थे वो, तो इस वजह से मैं आज दोबारा बना रही हूँ। और शुक्र है कि मैं ये दूसरा पैकेट ना अभी नया लेकर आई थी, और सोडा भी मैं अभी बिल्कुल फ्रेश लेकर आई थी तो वो भी मैं निकाल रही हूँ, और इसको भी मैं दोबारा जो है डालूंगी बॉटल में, क्योंकि इतना ज़्यादा कल मुझे ये हो रहा था कि मैं देखूं तो सही सोडे में प्रॉब्लम हो गई है या फिर लोबिया में प्रॉब्लम है, आखिर प्रॉब्लम आई कहाँ पे है। तो यहाँ पे इस वजह से अब मैं फ्रेश जो है सोडे का बॉक्स खोल रही हूँ। और एक और चीज़ मुझे कमेंट आया था एक दो दिन पहले कि सोडे में और बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है, और सोडा जो है वो बेकिंग पाउडर से थोड़ा सा ज़रा तेज़ होता है, तेज़ काम करता है। और यहाँ पे ना एक और काम भी मैं करूँगी, क्योंकि डब्बे में तो मैं रखती नहीं हूँ, और यहाँ पे जितनी भी इसकी एक्सपायरी डेट होती है, कुछ भी ऐसा लिखा होता है ना, तो वो मैं हमेशा काट के और जो टेप होती है मेरे पास किचन में मैं रखती हूँ तो इस पर लगा देती हूँ। इस तरह से ये होता है कि मुझे पता होता है कि एक्सपायरी जो है वो कब है, कितने करीब है, तो आराम से जो है फिर मैं चेंज कर लेती हूँ या यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं एक प्याज डाल रही हूँ, राजमा लोबिया जो बना रही हूँ, यहाँ पे मैं इनमें नमक डालती हूँ, उसके साथ लाल मिर्च थोड़ी सी डालती हूँ, और मैं इनको बॉईल करती हूँ। पानी में चेक कर रही थी यहाँ पे कि गरम है या नहीं है, क्योंकि मैंने केटल में ही गरम करके डाल दिया है, और बस मैं ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैं ये थोड़े बना रही हूँ क्योंकि मैं डर गई थी। वैसे मैं फ्रीज़ करती हूँ तो मसाले कम डालती हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए भी ज़्यादा थोड़ा डाल रही हूँ कि मैं इन्हीं को ही बनाऊँगी और इन्हीं को हम खा लेंगे। डर इस तरह से गई थी कि पता नहीं अब ये वाले कड़वे ना हो, कोई और इशू ना हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़े बना रही हूँ प्रेशर कुकर में और ये हम लोग जो है वो खा लेंगे। और इस वजह से मैंने फिर मसाले ज़्यादा डाल दिए, अदरवाइज़ तो मैं नमक मिर्च डाल के बॉयल करती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ, लेकिन आज मेरा फ्रीज़ करने का कोई भी इरादा नहीं है। यहाँ पर जी मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, और बर्तन जो है ना वो माशाल्लाह से इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, बस सारा दिन ही लगी रहती हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि ग्लव्स जो है ना मुझे ये भी और मंगवाने होंगे या लेने होंगे, क्योंकि जब मैं रेगुलर बर्तन वॉश करती हूँ ना तो फिर ग्लव्स यूज़ होते हैं, तो ये होता है कि ख़राब भी जल्दी होते हैं। आजकल खुद ही बर्तन वॉश कर रही हूँ तो ग्लव्स भी वैसे ही यूज़ हो रहे हैं।
लोबिया जो है वो मैं किस तरह बनाती हूँ कि मैं प्रेशर दे देती हूँ और ये देखें अच्छी तरह गल गया है, तो इसके बाद मैं इसको 5-10 मिनट 15 मिनट हल्की आंच पे ढक के रख देती हूँ और उसी से ही जो है जो इसका एक रस आता है, जो एक ग्रेवी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। हमारी तरफ इसी तरह से ज़्यादा बनाए जाते हैं और ऐसे ही शौक से खाए जाते हैं, मेरे हस्बैंड को भी ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो बस इसको मैं रख रही हूँ, ये 10-15 मिनट में जब तक बनेंगे कंप्लीट होंगे, तो यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ और अक्सर ना मैं रात के टाइम में किचन भी वॉश कर लेती हूँ फ़ैन चला के, फिर मैं बाहर चली जाती हूँ क्योंकि दिन को काम हो रहा होता है और फिर मैं ज़रा तंग होती हूँ, हेल्पर तो वैसे नहीं है तो खुद वॉश करना होता है, तो इसलिए मैं रात के टाइम करती हूँ ज़्यादा। तो अभी शाम का ही टाइम है तो मैं इस वजह से ना बस सारे काम अब कंप्लीट करने लगी हूँ। और फ्रिज के बारे में सारे पूछ रहे थे, फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीज़र, ऐसी खास तो मैंने अभी कोई की नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और आज जो है ना वो मैं थोड़ा सा साफ़ भी करूँगी क्योंकि सब्ज़ियाँ बिल्कुल ख़त्म है, तो कल शायद मैं और मेरे हस्बैंड जाएँ लेने के लिए, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जो सब्ज़ी वाला खाना होता है ना, कोशिश करती हूँ जब नई सब्ज़ी आती है तो उसको मैं सारा साफ़ कर लेती हूँ। अगर कपड़े से कर लूँ तो ठीक है, ज़्यादा गंदा हो तो फिर मैं वॉश कर लेती हूँ। तो बस अभी ये बर्तन वॉश करने के बाद मैं जो है वहाँ चलती हूँ और उसको क्लीन करती हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल जो है वो थोड़ा सा नीम गरम टाइप का जो पानी होता है वो डाल रही हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा लिक्विड जो है, जो बर्तन वॉश करने वाला लिक्विड होता है, उसी से ही इसको साफ़ कर रही हूँ। कुछ भी प्रॉपर इतना नहीं कर रही हूँ। और जो बाकी ऊपर वाली ये रैक है, ग्रिल्स सी बनी हुई हैं, तो इनको मैंने सादा कपड़ा लेके, साफ़ कपड़ा लेके उनसे साफ़ किया था, प्रॉपर मैंने बिल्कुल भी अभी नहीं किया। और फ्रीज़र में चूँकि अचानक ही लॉकडाउन हुआ, अचानक ही ये सब हुआ, तो मैंने सामान थोड़ा सा लेके रख दिया, फ्रोज़न फूड भी रख दिया, अदरवाइज़ मेरा फ्रीज़र इतना फुल नहीं होता। लेकिन आजकल ये है कि थोड़ा सा फ्रोज़न रखा हुआ है फूड, इस वजह से सब्ज़ियाँ भी कुछ फ्रीज़ की हुई हैं, इस वजह से ज़रा ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी रोज़ों से पहले पहले वो सारा भी साफ़ कर लूँ और फ्रिज भी एक बार प्रॉपर क्लीन करूँगी। अभी मैं कर नहीं रही हूँ, सिर्फ जितना मुझे ज़रूरत है या जितना मुझे लग रहा था थोड़ा गंदा हुआ हुआ है तो मैं वही क्लीन कर रही हूँ। तो बस ये साफ़ हो गया है और उसके बाद इस तरह से मैं साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर लेती हूँ। और जो बॉक्सेस है ना जिनमें मैंने लीमू रखे हुए हैं, मिर्च रखी हुई है, धनिया रखा हुआ है, तो वो मैं फ़िलहाल यहाँ पे रख रही हूँ। और उसके बाद जो यहाँ का सब्ज़ी वाला स्टोरेज बॉक्स होता है, वेजिटेबल फ्रूट का बॉक्स होता है, तो उसको मैं अभी सारा वॉश करूँगी अच्छी तरह से और जब वो ड्राई हो जाता है ना फिर उसके बाद मैं उसको रखती हूँ। अच्छा, ये जो मेरा बॉक्स है ना वेजिटेबल्स वाला, ये मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ मैं बाहर ज़्यादा धो लेती हूँ क्योंकि बाहर ज़रा खुली जगह है ना, तो मैं थोड़ा इजी फील करती हूँ, रिलैक्स होके मैं बाहर बैठ के और इसको सारा अच्छी तरह वॉश करती हूँ। लेकिन अब बाहर भी मैं नहीं जा रही, एक तो रात का टाइम है और दूसरा ये है कि ज़रा तूफ़ान, आंधियाँ, बारिशें भी यहाँ पे हो रही थी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा, अभी भी हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही चल रहा है, तो इस वजह से फिर मैं अब ज़्यादातर काम जो है वो घर के अंदर ही कर रही हूँ। सहन इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन यह है कि वॉशिंग वगैरह या जितनी इस तरह के काम होते हैं ना वो मैं आराम से बाहर बैठ के करती हूँ। तो बस अभी मैं यहीं पे इसको वॉश करके और रख लूँगी, तो ड्राई होगा तो आराम से मैं रात को जो है फिर इसको रखूँगी। Thank you.
अच्छा जी, ये सब करने के बाद अब मैं सारा फ्रिज पूरा का पूरा जो है उस पर छींटे आती हैं, ख़राब हो जाता है, तो ग्लास क्लीनर से मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और इसको साफ़ करने के बाद जो है फिर मैं पूरा जितना भी फ्लोर है उसको भी मैंने वॉश कर लिया। मैं थोड़ी देर बाहर चली गई थी क्योंकि देखने में शायद कम काम लग रहा हो, लेकिन जब आपकी एफर्ट जो है वो लगती है ना, जब आप काम करते हो तो काफ़ी टाइम गुजर जाता है, आप थक भी जाते हो, तो इसलिए फिर मैं थोड़ी देर बाहर बैठी चाय शाय पी शाम की, और अब रात के टाइम मैं दोबारा फिर किचन में आई हूँ। मैं ये लेकर आई थी सुब्रोसो के चपली कबाब, मैंने कभी भी यूज़ नहीं किए, कभी भी नहीं खाए थे, फर्स्ट टाइम मैं लेकर आई थी। अभी मैं आपके साथ जिक्र कर रही थी ना कि आजकल लॉकडाउन की वजह से जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना, तो मुझे जो जो चीज़ें मिली थी मैं ले आई थी और मैंने फ्रीज़ कर ली थी, कि चलो कभी दिल चाहता बाहर का खाना तो है ही नहीं, तो घर में ही कुछ आगे पीछे करके बंदा चेंज करके बना सकता है। तो यहाँ पे चपली कबाब जो है वो सिंपल मैं फ्राई कर रही हूँ, फ्रोज़न है, सुब्रोसो के हैं, आपको इनका रिव्यू मैं अभी बताती हूँ कैसे थे। तो ये फ्राई करने के बाद ना मैं लेकर आई थी सिंपल जो प्लेन बर्गर बन होते हैं वो मैं लेकर आई थी, तो उनके साथ मैं इनको बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आज राजमा लोबिया जो है वो बनाए थे, और वो चम्मच के साथ हम खाते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि सालन टाइप के हैं या इस तरह के हैं, सिंपल स्पून के साथ हम खाते हैं, वो मैंने सिंपल वैसे बना लिए, और उसके साथ जो है मैं बर्गर्स बना रही हूँ। अच्छा जी, केचप लिया है, मायो लिया है, उसके साथ थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट जो होता है वो लिया है, और चिली गार्लिक या केचप अगर ले लें आप जो अवेलेबल हो वो लेके, उसमें थोड़ा सा नमक और कुटी हुई काली मिर्चें डाल के मैंने मज़ेदार सा एक सॉस बना लिया। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। तो बस बर्गर मैं सिंपल जो है वो सेक लूँगी, और उसके बाद कोई सैलड नहीं है, सॉरी, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, प्याज भी ऑलमोस्ट ख़त्म हुए हैं, टमाटर भी ख़त्म हुए हुए हैं, तो ये वाले जो बर्गर्स हैं ना ये इसीलिए मैं बना रही थी कि चेंज हो जाएगा, लेकिन डालने के लिए अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैं बना रही हूँ आलू के चिप्स, सिंपल बना रही हूँ, देसी स्टाइल में बना रही हूँ, कुछ भी कोटिंग वगैरह नहीं लगा रही, क्योंकि एक तो मैं थक गई थी और बस जल्दी जल्दी मैं बनाना चाह रही थी, तो काट काट के मैं फ्राइंग पैन में डाल रही हूँ। और बर्गर में मैंने आपको बताया कुछ भी मैंने नहीं किया, सिंपल जो है वो जो मैंने बनाया एक सॉस टाइप का वो लगाया, और बस चपली कबाब जो है वो उसमें रख दिया। अच्छा, चपली कबाब के बारे में मैं ये बताऊँ आपको कि मैंने बाकी जितने ब्रांड्स के खाए हैं ना वो ज़रा स्पाइसी नहीं होते, सो ब्रोसो के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी होते हैं, थोड़ा सा ज़रा तेज़ मसाला होता है उनका, तो अच्छे बहुत थे, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, लेकिन यह कि थोड़ा सा ज़रा तीखे से थे, स्पाइसी से थे, तो अगर आप स्पाइस लवर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ट्राई कीजिएगा। ये जो पैक है इसमें 4 हैं, 2 मैंने आज बनाए, 2 मैं फिर देखूंगी किसी चीज़ के साथ बना लूँगी, लेकिन ये कि अच्छे लगे थे, जो चिकन चपली कबाब वाला एक टेस्ट फ्लेवर आता है ना, बिल्कुल वही फील आ रहा था, मज़ा आया, इंजॉय किया, अच्छा लगा, और बस बन गया जी खाना आज का। ये हमारा खाना था सिंपल सा लेकिन मज़ेदार सा, तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।